आज की गर्मा गर्म सी खबर आई है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज से। हॉट हॉट सी न्यूज है आज की स्ट्राइक की। सिने एम्प्लॉयज वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सेट्स पर आज शूटिंग नहीं हो रही। इस स्ट्राइक के अंदर 16 यूनियन है, जिसके अंदर है लाइटमैन, कैमरामैन, स्टंटमैन जूनियर, मेकअप आर्टिस्ट और भी कई सारे लोग। इस फेडरेशन ने हर बार की तरह इस बार भी स्ट्राइक की है अपनी कुछ मांगों को बढ़ाने के लिए, जिसका लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई में फिल्म सिटी के बाहर, दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के बाहर, जहां पे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है सारे टीवी सीरियल की शूटिंग रोकने के लिए। हम जानना चाहेंगे इन एम्प्लॉयज से कि इनकी क्या मांगे हैं, ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में नाइंसाफी की जा रही है। पीएल की अगर एक पॉइंट भी टीआरपी बढ़ती है तो सबकी पेमेंट बढ़ा दी जाती है। हम वर्कर जो है, हम छोटे तबके के जो वर्कर हैं, तो हम लोगों का हक हमको नहीं दिया जाता। हमसे 15 घंटा 14 घंटा 16 घंटा अनलिमिटेड काम कराया जाता है हमसे। हम लोग हेयर डिपार्टमेंट है, हेयर और मेकअप के बिना कोई आर्टिस्ट बन के दिखाओ। ये पूरी फिल्म पार्टी निडी है मुंबई की, जिसमें 22 यूनियन है जो फेडरेशन के झंडे तले ये स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी जिंदगी एकदम नर्क हो चुकी है। जो भी समाज में जितने लोग भी रहते हैं, सबको हर महीने सैलरी मिलती है, हर महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम वर्कर हैं, हमें यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती। इन सबकी डिमांड को नजर में रखते आज शाम 6 बजे एक और मीटिंग होगी फेडरेशन वालों की प्रोड्यूसर्स के साथ, जिसकी लेटेस्ट खबर भी हम आपको देंगे। अगर वो थोड़े से पैसे मांगता अपने अधिकार के लिए कि क्या? तो देखा आपने, यहाँ पे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज की हड़ताल बहुत वाजिब लग रही है। ये तो थी फेडरेशन वालों की बात, अब हम आपको प्रोड्यूसर्स की साइड भी दिखाते हैं। जो लोग कल काम कर रहे थे वो आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमने हमेशा बोला कि काम कभी रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें कौन सफर करता है, वर्कर्स ही मैक्सिमम सफर करते हैं। तो अगर आज सब वर्कर्स और यूनिट आए हैं शूटिंग पे, दैट शोज दैट दे सपोर्ट shooting, they support their units, they support their producer. And all the actors are shooting, मैं भी shoot कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो strike नहीं है। And honestly, आप मुझसे पूछें तो मुझे मेरे पैसे time पे मिल रहे हैं, मुझे shooting करने में कोई problem नहीं है। सबको हमारी industry के हित में सोचना है, ये किसी एक association या producerों के बारे में नहीं है, ये general एक चीज़ है जो हम सबको mind में रखनी है कि सबका benefit कैसे हो। हम लोगों ने काफ़ी सारी मांगे फुलफिल की थी, हमारे वर्कर्स को रेज मिल चुका है। दैट दिस स्ट्राइक इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। इस स्ट्राइक में कहीं पे भी वर्कर का कोई भला दिमाग नहीं, क्योंकि वर्कर की जितनी भी डिमांड्स थी वो तो कल शाम तक सब मानी जा चुकी हैं। वो तो मेल के ऊपर है, सब कुछ प्रूफ है, तो ये आज स्ट्राइक हो क्यों रही है? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।